आज मैं यहाँ पे आपके सामने आया हूँ कि देश की जो कोरोना से सिचुएशन है, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि आपकी कोरोना से लड़ने में भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकते। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग लॉकडाउन है, तो मैंने लॉकडाउन में एक बुक पढ़ी 20 जीत करके। उसमें एक स्टोरी थी वो जो काफ़ी रिलेट करती है अपनी मतलब देश की करेंट सिचुएशन से रिलेटेड। उसमें एक स्टोरी थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक विलेज था, वहाँ पे फ्लड आने वाली थी या सैलाब आने वाला था पानी का। तो वहाँ के जो हेड थे गांव के, प्रधान लंबरदार वगैरह, तो उन लोगों ने अनाउंसमेंट्स वगैरह करा दिए, मस्जिद में अनाउंसमेंट करा दिए, मंदिर में अनाउंसमेंट्स वगैरह करा दिए कि सैलाब आने वाला है, जो भी लोग मतलब बचना चाहते हैं तो वो लोग किसी ऊँचे जगह पर चले जाएँ। तो बहुत से लोगों ने उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, और एक इंसान ऐसा भी था कि जो बहुत बड़ा भक्त था भगवान का, और उसने मतलब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। उसका ये मानना था कि भगवान आएंगे, भगवान मुझे इस मतलब जो डेंजर सिचुएशन है या जो भी सिचुएशन है उससे भगवान मुझे खुद उभार लेंगे, निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब सैलाब आया, बाढ़ आई, तो उसमें उसकी मौत हो जाती है। और मरने के बाद जब वो भगवान के पास जाता है तो भगवान से उसका एक ही क्वेश्चन होता है कि भगवान, मैं आपकी इतनी भक्ति करता था और मतलब आपको मैं इतना पूछता था, तो आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? तो भगवान ने उसे जवाब दिया कि मैं तो आया था मूर्ख, मैं तुझे बचाने आया था, कभी लंबरदार के रूप में, कभी प्रधान के रूप में, और कभी मतलब तुम्हारा दोस्त बन के मैं आया था, लेकिन तुम्हारी नीयत नहीं थी बचने की, इसलिए तुम मतलब मर गए। तो ये सिचुएशन आजकल की है कि गवर्नमेंट ने जो है मतलब मैं ये बता दूं, भगवान जो है वो अपने आप तो कभी आते नहीं है, वो अपने मैसेंजर के थ्रू मैसेज भेजते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो एक्ट कर रही है एज अ मैसेंजर, तो उन्होंने अपना तो अनाउंसमेंट कर दिया है, बाकी हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी नीयत पे डिपेंड करता है कि हम लोग इस कोरोना वायरस से लड़ना चाहते हैं या हार मान के हथियार गिरा देना चाहते हैं, तो ये हम पे डिपेंड करता है। दैट्स ऑल। आई होप आप मेरा मैसेज समझ गए होंगे। अगर जो मैसेज आप तक 2% भी मैसेज कन्वे हो पाया है मेरा, जो मैं बात आपको समझाना चाहता हूँ, तो अपने आप को लॉकडाउन कर लें, घर में ही रहें, कहीं बाहर ना जाएं, और गवर्नमेंट को पूरा पूरा सपोर्ट करें। साथ ही साथ जो पीएम रिलीफ फंड है, अगर जो आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो आप उसमें कंट्रीब्यूट जरूर करिए। आई होप मैसेज क्लियर है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।